अरे ये चो फ्रैंकलिन भैया कहाँ पर है? सुबह से तो गाइस फ्रैंकलिन भैया नजर ही नहीं आए। सिंचन मैं भी तो तेरे साथ ही था, मैंने भी फ्रैंकलिन भैया को सुबह से नहीं देखा, लगता है वहाँ पर सोए हुए होंगे। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया को जगा कर और ही मजा आएगा, जल्दी से आजा चोप। ये मैं क्या देख रहा हूँ, फ्रैंकलिन भैया तो यहाँ पर भी नहीं है। अरे चोप ये क्या, फ्रैंकलिन भैया तो हमेशा सोए होते हैं लेकिन आज तो यहाँ पर है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है सिंचन, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, फ्रैंकलिन भैया इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए? कहीं पर फ्रैंकलिन भैया को कोई उठा कर तो नहीं ले गया? अगर फ्रैंकलिन भैया किडनैप हुए ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे हम जैसे बच्चे किडनैप हो सकते हैं, फ्रैंकलिन भैया नहीं। लो जी हम लोग फ्रैंकलिन भैया के लिए परेशान हो रहे थे, ये तो बाहर ये देखो बारबी क्यूब कर रहे हैं। अरे ये तो कभी हुआ नहीं, फ्रैंकलिन भैया बारबी क्यूब, कहीं पर हमारी आंखें धोखा तो नहीं खा रही फिर से? हाँ तो मैंने सोचा सुहाना दिन है, सुहाने दिन के साथ मुझे करना चाहिए बारबी क्यूब, लेकिन बारबी क्यूब के लिए मीट तो मुझे मिला नहीं तो मैंने ये हॉट डॉग ही रख लिए। देखो सिंचना चोप ये तो परसों के हॉट डॉग हैं, लेकिन मैं इन्हें फ्राई करके बिल्कुल फ्रेश कर दूंगा। ये क्या फ्रैंकलिन भैया, हमें बासे हॉट डॉग खिलाने के चक्कर में आप? अबे मुंह बंद कर अपना, ये बासे नहीं है, फ्रीजर में कोई चीज खराब नहीं होती। और तुम लोग क्या कहते हो, तुम लोगों के लिए मैं ये हॉट डॉग बाहर फेंक दूं? उस टाइम जब मैं लेके गया उस टाइम तो बड़ा उछल रहे थे कि मुझे चार चार हॉट डॉग खाने हैं। एक एक ही हॉट डॉग खा के इन दोनों का पेट भर गया, अब मैं बाकी जाया तो नहीं कर सकता ना। ये क्या फ्रैंकलिन भैया, आप इतने ज्यादा कंजूस कैसे हो गए? मैं तो जरा भी नहीं खाने वाला ये हॉट डॉग, मुझे जरा भी नहीं पसंद। अरे चुप, लगता है ना फ्रैंकलिन भैया हमें सुबह सुबह ये हॉट डॉग खिला कर ही रहेंगे, आज तो अपनी मुसीबत पक्की है। देखो फ्रैंकलिन भैया मेरा तो पेट काफी ज्यादा खराब है और मेरा तो हॉट डॉग खाने का कोई मूड नहीं। और मेरे पेट से तो सुबह से ही आवाजें आ रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा ये। देखो तुम दोनों को तो ये खाना ही पड़ेगा जो कुछ मर्जी हो जाए, आज मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ और तुम दोनों इनकार कर रहे हो। वो सही कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर ये चीजें बाहर की पकी हुई होती तो ये छोड़ते नहीं, और आज घर के अंदर इन्हें मैं फ्राई करके दे रहा हूँ। ऊपर वाले तू ही हमारी मदद कर सकता है, वरना फ्रैंकलिन भैया तो हमें ये बासे हॉट डॉग खिला कर ही रहेंगे। प्लीज ऊपर वाले हमारी मदद कर, कोई ऐसा करिश्मा कर दे कि फ्रैंकलिन भैया ये हॉट डॉग कहीं पर फेंक कर चले जाए। आज तो लगता है ना कोई भी हमारी बात नहीं सुनने वाला सिंचन। तो रेडी हो जाओ सिंचन चौप, हॉट डॉग पक चुके हैं, अब मैंने तुम लोगों को ये खिलाने हैं, तो रेडी हो ना तुम दोनों। एक मिनट यार, अब ये किसकी कॉल आ गई, टोनी की कॉल। अबे हाँ बोल टोनी। अरे क्या हो गया टोनी? फ्रैंकलिन जल्दी से मेंशन पर पहुंचो, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। अबे कभी अच्छी खबर भी सुनाई है टोनी तूने क्या? पर हुआ क्या बता तो सही। देखो ये बातें फोन पर नहीं बताई जाती, तुम्हें मेंशन पर ही आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बस तुम्हें वो चीज दिखानी है। ओके फोन रख मैं आता हूँ फिर। ओफ तुम दोनों बच गए, वरना ये हॉट डॉग तो मैं तुम लोगों को खिला कर ही रहता। देखा ना चब हमारी ऊपर वाले ने कैसे सुनी। और गाइस इसी के लिए वीडियो का लाइक तो बनता ही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग फ्रैंकलिन भैया का ये हॉट डॉग नहीं खा पाएंगे। मुझे लगता है हमें जल्दी करना पड़ेगा, टोनी ने हमें अपने मेंशन पर बुलाया है और अब पता नहीं क्या गड़बड़ हुई है। गाइस ये तो मेंशन पर ही जाकर ही पता चलेगा, तो जल्दी से ऊपर चले जाते हैं, हॉट डॉग को फिर देख लेंगे। जल्दी से आओ तुम दोनों गाड़ी में बैठो। गाइस मुझे टोनी की आवाज में इतनी ज्यादा परेशानी कभी नजर नहीं आई जितनी आज नजर आई है। वैसे तो वो मुझे हर दफा कॉल करके अपने मेंशन पर ही बुलाता है, कभी मेरे घर नहीं आया, काम भी उसका होता है और जाना भी हमें ही पड़ता है, लेकिन आज उसकी आवाज से मुझे लग ही रहा था कि वाकई कोई बहुत बड़ी परेशानी है। तो फिर फ्रैंकलिन भैया सोच क्या रहे हो, तेजी से गाड़ी को भगाओ, हो सकता है ना ये सिटी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। हाँ सिंचन और चौप मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, तो अपनी गाड़ी को तेजी से भगा कर लेकर जाना होगा। ओके गाइस टोनी स्टार के मेंशन के पास तो मैं पहुंच ही चुका हूँ। ये जगह काफी ज्यादा सुनसान नजर आ रही है, ना ही कोई सुपर हीरो नजर आ रहा है, ना ही किसी सुपर हीरो की कार। हुआ क्या है, मुझे गाड़ी को यहीं पर खड़ी करके अंदर जाना होगा। ये क्या टोनी स्टार कहाँ पर गया, मेंशन भी खाली है। अरे टोनी कहाँ पर है तू? ओके गाइस टोनी तो इस साइड पर खड़ा है, लेकिन टोनी कर क्या रहा है? अरे टोनी हो क्या गया था, मुझे तू काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा है, और तूने तो मुझे डरा कर रखा है, बता तो सही। देखो फ्रैंकलिन ये बातें मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता था, इसलिए मुझे तुम्हें मेंशन पर ही बुलाना पड़ा। ये सब बातें मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता, तुम्हें न्यूज ही दिखानी पड़ेगी। मुझे लगता है आज की न्यूज तुमने सुनी नहीं। अरे हाँ टोनी मैंने आज की न्यूज मिस कर दी शायद। ओके ये देखो टीवी पर क्या बता रहे हैं, लॉस सैंटोस फिर से एक दफा खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि जिसका सोचा भी नहीं था वो होने जा रहा है। एल्ट्रॉन ने खुद को गोल्ड में अपग्रेड कर लिया है, एल्ट्रॉन को गोल्ड में अपग्रेड करने में मदद की उन साइंटिस्ट ने, लेकिन एल्ट्रॉन ने उन साइंटिस्ट को भी मार डाला। अब वो सिटी की तरफ आ चुका है और सिटी में चारों तरफ तबाही मचा रहा है, सब लोग सुपर हीरो का ही वेट कर रहे हैं कि कब कोई सुपर हीरो आकर इस एल्ट्रॉन को रोकेगा, लेकिन अब तक कोई भी इस एल्ट्रॉन को रोक नहीं पाया। अब देखना ये कि आगे क्या होगा। अपने आप को सेफ रखने के लिए ताजा तरीन खबर के साथ जुड़े रहिएगा। वाकई में टोनी ये तो बहुत बुरा हो चुका है, एल्ट्रॉन को तो तुमने मार डाला था, फिर ये गोल्ड में अपग्रेड होकर कैसे आ गया?
पर अब क्या किया जा सकता है टोनी, इस अल्ट्रॉन को कैसे रोका जाए? ये सब कुछ बताने के लिए फ्रैंकलिन मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। देखो तुम्हें इस मशीन के अंदर जाना होगा। मैं तुम्हें पूरा गोल्ड में तो अपग्रेड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक सिल्वर आयरन मैन का सूट है जिसे तुम गोल्ड पॉइंट लेने के बाद गोल्ड में अपग्रेड कर सकते हो। तुम्हें जल्दी से इस मशीन के अंदर जाना होगा। देखो ये सोचने का टाइम नहीं है, मुझे पता है तुम मेरी मदद जरूर करोगे, बल्कि इस सिटी में रहने वाले लोगों की भी। बस तुम्हें किसी तरह करके खुद को गोल्ड आयरन मैन के सूट में कन्वर्ट करना होगा, और उसके बाद जाकर तुम इस अल्ट्रॉन को रोकना, क्योंकि गोल्ड आयरन मैन के सूट के अपग्रेड होने के बाद ही तुम इस अल्ट्रॉन को मार सकते हो। तो आई होप तुम मेरी बातें समझ ही चुके होगे फ्रैंकलिन। तो ये मशीन रेडी है, तुम जल्दी से इस मशीन के अंदर चले जाओ ताकि मैं तुम्हें वो सिल्वर आयरन मैन का सूट दे सकूं। ओह यार गाइस, अब मुझे लगता है ये करना ही होगा मुझे। ठीक है मैं रेडी हूँ और इस मशीन के अंदर चला जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है। ओके गाइस, इस सिल्वर आयरन मैन के सूट में मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। ठीक है टोनी स्टार्क, अब मुझे लगता है मुझे जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे फ्रैंकलिन, तुम तो सिल्वर आयरन मैन के सूट में अपग्रेड हो चुके हो, अब सारी उम्मीदें तुमसे ही लगाए बैठे हैं। याद रखना तुम्हें गोल्ड पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद ही आयरन मैन के गोल्ड सूट में अपग्रेड हो सकते हो। यार कितनी बार समझाएगा टोनी, मुझे समझ नहीं आती। मुझे यहाँ से भाग कर जाना होगा, अब बंदोबस्त करना होगा कि कहाँ से गोल्ड पॉइंट इकट्ठे किए जाए। तो भाग जल्दी से फ्रैंकलिन। अभी ये क्या टोनी की कॉल मुझे क्यों आ रही है? अभी तो मैं टोनी मेंशन से होकर आ रहा हूँ। अरे हाँ बोल टोनी, क्या हो गया? देखो फ्रैंकलिन, तुम जा ही रहे थे तो मुझे एक अच्छी न्यूज पता चली है। हमारी सिटी के अंदर मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ जहाँ पर तुम्हें जाना होगा। अरे लोकेशन, मुझे वहाँ पर क्या जाकर करना है? देखो फ्रैंकलिन, वहाँ पर गोल्ड की डील होने वाली है और सारा गोल्ड इस शहर से बाहर जाने वाला है। तुम्हें जाकर उस डील को कैंसिल करवाना होगा और वो गोल्ड सारा हासिल करना होगा ताकि तुम्हें गोल्ड पॉइंट मिल सके और तुम फिर आयरन मैन के नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सको। ओके मैं समझ चुका हूँ कि तू क्या कहने वाला है, बाकी काम मेरा है टोनी स्टार्क। मैं जल्दी से गाइस उस लोकेशन पर पहुंचता हूं, देखता हूं कि किसके दरमियान हो रही है गोल्ड की डील और आयरन मैन के होते हुए ये डील कैसे हो सकती है। तो भाग कर निकलते हैं। ओके गाइस, मुझे लगता है यही लोकेशन बताई थी टोनी ने। और सामने की तरफ ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो कार्निज है। मुझे लगता है कार्निज किसी के साथ डील करने वाला है इस गोल्ड की। बाप रे, मुझे लगता है किसी तरह गोल्ड लाना पड़ेगा और कार्निज से गोल्ड लेना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। मुझे लगता है आज इस डील का तो मजा ही आ जाएगा। ये सारा गोल्ड इस सिटी से बाहर जाने वाला है, वो भी इलीगल तरीके से, और कार्निज इसका साथ देगा। मुझे लगता है ना मुझे उस टीम को लेकर आना होगा जिसके साथ ये डील होने वाली है। तुम सबको इस गोल्ड का ख्याल रखना होगा। अगर ये डील आज हो जाती है तो तुम सब लोगों को डबल पेमेंट मिलेगी और आज की पार्टी मेरी तरफ से होगी। बस इस गोल्ड को कहीं पर जाने नहीं देना। बस मैं थोड़ी देर में उन सबको लेकर आया, मुझे लगता है वो आ गए होंगे। मुझे जल्दी से गाड़ी में बैठकर जाना होगा। ये रही मेरी गोल्ड की गाड़ी, कितनी ही ओपी है। बस थोड़ी देर में डील डन हो जाएगी। ओके गाइस, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यही अच्छा मौका है, कार्निज तो यहाँ से भाग निकला। अरे वो तो उन डीलर्स को लेने जा रहा है जिसके साथ इनकी डील होने वाली है, और यही अच्छा मौका है इन सब टपोरियों को मारने का। इन सबको एक एक करके मार कर ये गोल्ड हासिल कर लूंगा, वैसे भी ये मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अरे मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम सब लोग। अरे ये लो खाओ मेरे जोरदार पंच। अरे क्या ही मजेदार मारा मैंने। एक तो ये खड़ा है, इसे मुझे मारना होगा काफी जोरदार तरीके से। मेरे पंच तो काफी मजेदार है। अरे सिल्वर आयरन मैन का ये सूट तो काफी पावरफुल है। जब मैं गोल्ड में अपग्रेड होगा तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। इनको जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा इससे पहले कि कार्निज आ जाए अपने डीलर को लेकर। मुझे ये गोल्ड को कलेक्ट करना होगा। सबके सब मारे जा चुके हैं और गाइस ये रहा गोल्ड, और देखता हूँ ये कितना ज्यादा गोल्ड है। मुझे सबको कलेक्ट कर लेना चाहिए और देखेंगे फिर हम लोगों को कितने गोल्ड पॉइंट मिलते हैं। ओके गाइस, ये गोल्ड तो मैंने कलेक्ट कर लिया है और मेरे पास आ चुके हैं पूरे 1000 गोल्ड पॉइंट। गाइस मैं तो 1000 गोल्ड पॉइंट में नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ आयरन मैन के। तो देखते हैं कि कौन से सूट में हम लोग अपग्रेड होते हैं। तो आप लोग रेडियो मेरे साथ। गाइस आयरन मैन का ये सूट मिला है मुझे 1000 गोल्ड पॉइंट के अंदर। वाकई में ये पिछले सिल्वर सूट से तो काफी ज्यादा अमेजिंग है और इसके अंदर काफी पावर है। फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरे हैंड से बुलेट भी निकल रही है। तो जल्दी से गाइस यहाँ से निकलते हैं फ्लाई करके। और मैं चलता हूँ सिटी की तरफ, हो सकता है वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं से गोल्ड मिल जाए, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी है अपनी लॉस सैंटोस की, कहीं ना कहीं पर डील तो हो रही होगी। एक मिनट, ये क्या, मैं इस पुलिस स्टेशन के सामने से तो जा रहा हूँ, इतनी ज्यादा रश क्यों लगी हुई है? कहीं पर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर आईजी तो नहीं आ गया? नहीं यार, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे जाकर पूछना पड़ेगा इन पुलिस वालों से, कुछ ना कुछ तो पक्की गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे सब कुछ ठीक तो है ना, क्या हुआ? तुम लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हो, और सबके मुंह तो अपने पुलिस स्टेशन की तरफ ही है, और सब लोगों ने वेपन उठा कर रखे है। देखो हमारी सिटी में अबोमिनेशन काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था और हम लोग उसे पकड़ कर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर ले आए, लेकिन सारे ऑफिसर से भी मिलकर अबोमिनेशन पर कंट्रोल नहीं हो रहा। उसने पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर बमबाल मचा दिया है और पूरे पुलिस स्टेशन को तबाह
कर रहा है। अब हम सबको समझ नहीं आ रही कि अबुमिनेशन को कैसे रोका जाए। देखो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं उस अबुमिनेशन को इस पुलिस स्टेशन से बाहर ला सकता हूँ और उसकी तबाही को भी मैं रोकूंगा। देखो अबुमिनेशन को अगर तुम रोकते हो और उसे मार डालते हो तो उसके सर पर इनाम रखा गया है जो कि काफी ज्यादा गोल्ड है। ओह माय गॉड, यानी कि अगर मैं अबुमिनेशन को मारूंगा तो मुझे ढेर सारा गोल्ड मिलेगा। अरे ये सब कुछ पहले ही बता देता मुझे, ये तो गाइस और भी आसान हो गया मेरे लिए। देखो रास्ते कैसे ही बनते जा रहे हैं जब मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ तो। ठीक है बस तुम लोग ये समझो अबुमिनेशन बाहर आया और मैं उसे मार डालता हूँ। अरे मुझे अंदर जाना होगा, कहाँ पर छुपा है? अबे ये रहा सामने की तरफ। अबुमिनेशन देख खुद को ना हवाले कर दे पुलिस के वरना मेरे हाथों से तो तू बहुत बुरी तरह पीटेगा। अरे आयरन मैन तू मुझे क्या रोक पाएगा, हल्क मुझे नहीं रोक पाया आज तक तो। तूने देखा नहीं कितनी ज्यादा पुलिस फोर्स मुझे बाहर रोकने के लिए खड़ी है। इन्हें कहा था अबुमिनेशन से पंगा मत लो, इस पुलिस स्टेशन को भी मैं तबाह कर दूंगा और इन लोगों ने मेरे सर पर इनाम रखा है इस गोल्ड का, उस सारे गोल्ड को भी मैं चुरा कर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ओके ठीक है, मुझे लगता है मुझे इसे पकड़ना पड़ेगा। अब मैं तुझे पकड़ कर बाहर लेकर जाऊंगा इस पुलिस स्टेशन से और गाइस इसे फेंकना पड़ेगा क्योंकि गंदी नाली का कीड़ा है तू और कीड़े हमेशा बाहर ही रेंगते हैं। ये देखो तुम सब लोगों के सामने मैं अबुमिनेशन को कैसे पकड़ कर लेकर जा रहा हूँ। आयरन मैन तू मुझसे दुश्मनी मोल ले रहा है, मुझे छोड़ दे। ओके फिर ये ले, ठीक है छोड़ दिया तुझे। कहाँ पर गया? अबे ये जाकर गिरा है। अब मुझे लगता है इसकी हालत टाइट है काफी ज्यादा। ये क्या, अभी तो मैंने इसे मारा था। अभी अच्छा नोटंकी साले, ये तो नाटक कर रहा था, बेहोशी का नाटक कर रहा था ये तो। लेकिन अब पक्का मरेगा तू मेरे हाथों से। ओके बड़े बुरे तरीके से मार रहा तू मुझे। आयरन मैन तेरा मुकाबला अब अबुमिनेशन से हुआ है। ओके देखते है कि अबुमिनेशन कितना पावरफुल है। ये ले फिर जोरदार पंच का तू। अबे पंच तो मार ही रहा हूँ, अब उठने की मोहलत ही नहीं मिली अबुमिनेशन को। क्या ही बुरे तरीके से मारा मेरे अबुमिनेशन को। अबे ये तो मर चुका है सचमुच में। क्या ये गाइस, अब जाकर मुझे सुकून मिला है, अब तो मेरी पावर का इसे पता चल ही चुका होगा। फाइनली गाइस इस अबुमिनेशन को मारने के बाद ये देखो ढेर सारा गोल्ड, ये गोल्ड अबुमिनेशन को मारने पर मिल रहा था। ओके जल्दी से इस गोल्ड को कलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि कितने गोल्ड पॉइंट मिलते हैं मुझे। जल्दी से किया मैंने इस गोल्ड को कलेक्ट और गाइस मेरे को पूरे 5000 गोल्ड पॉइंट मिल चुके हैं। अब तो इससे मैं नेक्स्ट सूट में अपग्रेड हो सकता हूँ आयरन मैन के, तो जल्दी से अपग्रेड हो जाते हैं। ओके गाइस ये देखो मैं इस सूट में अपग्रेड हो चुका हूँ आयरन मैन के। कितना ही ज्यादा अमेजिंग सूट है ये तो, और मुझे लगता है ना ये आयरन मैन का प्योर गोल्ड सूट है 24 कैरेट का। गाइस अब क्या करना होगा, मुझे तो एल्ट्रोन को ढूंढना होगा। एल्ट्रोन कहाँ पर है? वो तो सिटी को तबाह कर रहा होगा। एक मिनट, ये किसकी कॉल आ गई? ये तो टोनी की कॉल है, मुझे जल्दी से इस कॉल को उठाना होगा, देखना होगा कि टोनी क्या कह रहा है। अरे हाँ बोल टोनी। फ्रैंकलिन तुम्हें जल्दी से मेंशन पर आना होगा। अरे क्या हो गया, देख मैंने वो सूट हासिल कर लिया है प्योर गोल्ड का जो तेरा आयरन मैन का था। मुझे लगता है मुझे अब एल्ट्रोन को ढूंढ कर उसे मार कर ही मैं आऊंगा मेंशन पर। देखो तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, और मैं भी यही सोच रहा था पहले। एल्ट्रोन का प्लान इस सिटी को तबाह करना नहीं था बल्कि टोनी स्टार्क के मेंशन को तबाह करना था। वो इस मेंशन को तबाह कर देगा, तुम्हें जल्दी से आकर इस मेंशन को बचाना होगा। शिनचैन चोप भी मेरे साथ ही है। अगर ये मेंशन तबाह हो गया तो इस मेंशन में बहुत सारे सीक्रेट है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो कि यहाँ पर दफन है। तुम्हें बचाना होगा जल्दी से आकर इस मेंशन को। ओके मैं आ रहा हूँ। गाइस ये क्या, ये तो बहुत बुरी खबर सुनाई टोनी ने मुझे। जल्दी से फ्लाई करके जाना होगा और मुझे पहुंचना होगा टोनी के मेंशन पे। अब बाप रे ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैं मुझे यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों पे। गाइस इसने तो तबाह कर दिया पूरे का पूरा टोनी स्टार का मेंशन। वो टोनी स्टार को भी बड़े बुरे तरीके से मारा है, लेकिन शिनचैन और चोप तो सेफ है थैंक गॉड। पूरी चारों तरफ आग लग चुकी है। अबे गया कहाँ पर एल्ट्रोन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बता तो सही मुझे टोनी स्टार कहाँ पर है एल्ट्रोन। देखो फ्रैंकलिन एल्ट्रोन तो मुझे मार कर यहाँ से जा चुका है, लेकिन उसकी लोकेशन मैंने मालूम कर ली है। वो बीच के पास गया वहाँ पर तबाही मचाने के लिए। तुम्हें जल्दी से बीच के पास जाकर उसकी तबाही को रोकना होगा। तुम देख ही सकते हो एल्ट्रोन ने कुछ मिनटों के अंदर कितनी ज्यादा तबाही मचा दी है, तो ये भी सोच सकते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बन चुका है। तुम्हें जो कुछ करना है अब जल्दी ही करना होगा। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ये हुआ क्या है, बस यही समझ आई कि एक पलक झपकते ही ये सब तबाही मच गई। ओके टोनी स्टार को संभालना शिनचैन और चोप, और मुझे बता देना अगर एल्ट्रोन यहाँ पर आया तो। गाइस अब असल मुकाबला होगा, अब मुझे जाना होगा। अब बीच के पास जाकर मैं देखता हूँ कि क्या होता है। ओके गाइस मैं इस बीच पर तो पहुंच चुका हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, अभी एल्ट्रोन तो मुझे मारने शुरू हो चुका है। वाकई जैसे टोनी ने बताया था वैसा हुआ, ये एल्ट्रोन तो काफी ज्यादा पावरफुल निकला। पर मेरे पास भी गोल्ड आयरन मैन का सूट है,
तो गाइस आप लोग आयरन मैन ओपी लिखो कमेंट सेक्शन में ताकि मैं इसे मार सकूं। मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। अब तू मेरे हाथों से पक्का मरेगा। इसने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। अब मेरी कोशिश की बारी है। अब मेरे पंच की बारी है जो कि मैं इसे मार रहा हूँ काफी जोरदार तरीके से। उठ के बताना अभी अब क्या हुआ एल्ट्रॉन। गाइस आप लोगों ने देख लिया ना, एल्ट्रॉन से भी ज्यादा पावरफुल मेरी पावर है। ये तो बेचारा मर चुका है, इसका तो कुछ बोलने का ही नहीं रहा। अब देखो गाइस मैं इसे कहाँ पर फेंकता हूँ। गाइस मुझे लगता है ना अब इस एल्ट्रॉन को मारने के बाद इस सिटी के अंदर जो भी तबाही होनी थी वो रुक चुकी है। और फाइनली मैंने मार डाला। ये तो टोनी स्टार को भी पता चल चुका होगा। दिल तो नहीं कर रहा मेरा इसे यहाँ पर छोड़ कर जाने का। दिल तो करता है ना मैं इसे ना मार डालू, इसका ना कचूमर बना डालू मार मार के, क्योंकि ऐसे राक्षस फिर से जिंदा हो जाते हैं पता नहीं कैसे। लेकिन अब मेरी मार से ये कभी जिंदा नहीं हो पाएगा। अब मुझे जाना पड़ेगा गाइस यहाँ से। आप लोगों ने देख लिया कैसे मैंने एल्ट्रॉन को मारा। ये मैं क्या देख रहा हूँ सामने की तरफ, ये तो कार्नेज है। अभी कार्नेज मेरा रास्ता क्यों रोक कर खड़ा है। अब आयरन मैन तुमने मेरा गोल चुराया था, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गाइस लगता है ना इसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। एल्ट्रॉन की जो हालत हुई है ना इसकी भी होगी अभी। तो ठीक है तेरा गोल मैं वापस करता हूँ, ये ले जोरदार पंच से। गाइस इसका तो ढेर हो गया यहीं पर। तो आप लोगों ने देख लिया कि कितनी जोरदार पावर है मेरे पास। एक ही पंच से कार्नेज का काम तमाम हो गया। तो इसी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।